त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से जिले में पड़ रही भयंकर गर्मी के बाद आज चूरू जिला मुख्यालय पर ओलावृष्टि के साथ जमकर मेघ बरसे। रुक रुक कर हुई मूसलाधार बारिश के बाद जहां निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं भयंकर गर्मी से झुलस रहे शहरवासियों को काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते यह बरसात हुई है। वहीं 17 अप्रैल यानी शनिवार से प्रदेश में मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा। आज करीब 12 mm बरसात दर्ज की गयी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार रात को एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में राज्य में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस कर्फ्यू के दौरान पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल, सब्जी, दूध, LPG और बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर देर रात तक चली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में लागू वीकेंड लॉकडाउन की वजह से जिले में भी आज शाम को फिर से सब कुछ लॉक हो गया। शाम 5 बजते ही चूरू के बाजारों में सन्नाटा पसर गया। वही शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जिले भर में कर्फ्यू के हालात रहेंगे। हालांकि सुजानगढ़ में उपचुनाव होने की वजह से यह क्षेत्र कर्फ्यू मुक्त रहेगा। कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, दूध, LPG व बैंकिंग व मेडिकल सरीखी आपातकालीन सेवाएं ही आमजन को उपलब्ध हो सकेगी। वहीं प्रतिबंधित समय में दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठान खुले मिलने पर जुर्माने के साथ उन्हें सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी इनको बंद करती है, तकरीबन सब बंद हो चुकी है, वो करवा रहे हैं, सब कर देंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर शुक्रवार की शाम रतनगढ़ व राजल देसर के भी बाजार शाम 5 बजे बंद हो गए। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने शाम 5 बजे बाद बाजारों में गश्त शुरू कर दी तथा व्यापारियों से समझाइश की गई। कुछ दुकानदार ने अपनी दुकानें बंद नहीं की तो पुलिस ने उनके साथ सख्ती दिखाते हुए दुकानें बंद करवाई। CI मनोज मूंड ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसकी शहर में पालना करवाई जाएगी। वहीं राजल देसर में SHO रमेश पन्नू में पुलिस जाब्ते के साथ बाजारों में गश्त की तथा गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित करवाया। शाम 6 बजे बाद क्षेत्र के बाजार वीरान हो गए तथा मेडिकल की दुकानें ही खुली रही। 4 से 19-4 तक सुबह 6 बजे से 5 AM तक बाजार बंद करने के आदेश हैं, की पालना करवाई जा रही है, सख्ती से पालना करवाई जा रही है। पूरा बाजार बंद रहेगा? बाजार बंद रहेगा। और जो आवागमन करने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पूर्णतः बंद है और धारा 144 भी लागू है, उसकी पालना की जाएगी। वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए रतनगढ़ प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। SDM कार्यालय में पिछले 2 दिनों से धर्म व व्यापार संघों से जुड़े लोगों की अलग अलग बैठक लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। आज शाम SDM कार्यालय में तहसीलदार धीरज झाझड़िया ने व्यापार संघों से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। 2 दिवसीय कर्फ्यू के अंतर्गत शाम 5 बजे तक क्षेत्र में राशन, दवाई, डेयरी व सब्जी की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं यात्रा करने वाले लोग भी अपनी निजी गाड़ी से गाड़ी की क्षमता के अनुसार मुंह पर मास्क लगाकर यात्रा कर सकेंगे। वहीं तारानगर में भी नई गाइडलाइन जारी होने के साथ ही तहसीलदार तेजपाल गोठवाल व थानाधिकारी गोविंद विश्नोई ने शहर का दौरा कर प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। साथ ही इस दौरान उन्होंने सभी को कोरोना संक्रमण से बचने हेतु जरूरी एहतियात अपनाने का आह्वान किया। सरकार के निर्देश अनुसार आज दिनांक 16/4/2021 को राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार कोरोना को बढ़ते नजर और आज दिनांक को जो लगाया गया है, इसको लोगों ने अपने आप ही 5 बजे से ही दुकानें बंद करने शुरू कर दी थी और जो दुकानें खुली थी उनको हमने समझाइश करके दुकानों को बंद कर दिया गया है और ये कर्फ्यू है और सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। और राज्य सरकार द्वारा जो कर्फ्यू घोषित किया गया है उसकी पालना में आज 5 बजे से मार्केट बंद करवा दिया गया है और दुकानदार अपने घरों को जा रहे हैं और 2 दिन इसकी सख्ती से पालना की।
कोरोना के बढ़ते कहर व वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही जिले में पान मसाला व जर्दे की कालाबाजारी फिर से शुरू हो गई है। होलसेल व्यापारियों ने कई पान मसालों व जर्दों की अचानक कीमतें बढ़ा दी तो कुछ को बेचना ही बंद कर दिया, जिसका असर खुदरा व्यापार पर भी दिख रहा है। उन्होंने भी उसी के हिसाब से अपनी दरें बढ़ा दी है। इधर ग्राहकों ने भी पान मसालों व जर्दों पर प्रतिबंध की आशंका से इधर उधर की दुकानों से उनका स्टॉक शुरू कर दिया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि अब जिला प्रशासन कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर क्या कार्रवाई करता है। अब गर्मी में क्यों होना परेशान जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मन पसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फव्वारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 हेतु 17 अप्रैल 2021 शनिवार को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित कुल 418 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सावनवल वर्मा ने बताया कि सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,75,545 मतदाता है, जिनमें से 1,43,711 पुरुष एवं 1,31,832 महिला मतदाता व 2 अन्य मतदाता है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 268 व शहरी क्षेत्र में 150 मतदान बूथ सहित कुल 418 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 381 पुरुष एवं 14 महिला सर्विस मतदाता है तथा 57 संवेदनशील मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 के तहत 80 प्लस वरिष्ठ नागरिक जन के 6,286 तथा 2,612 विशेष योग्य जन अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु प्रपत्र 12D जारी किए गए हैं, जिनमें से 80 प्लस के 249 एवं 39 विशेष योग्य जन मतदाताओं ने घर बैठे अपना मतदान किया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में आज रतनगढ़ के गढ़ परिसर में मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वैन को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा, सेशन न्यायाधीश मांडवी राजवी एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी सविता चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान न्यायाधीश ने आमजन को मास्क का वितरण करते हुए कोविड के प्रति विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदुरिया, एडवोकेट सावनमल चमड़िया, महावीर सिंह राठौर, सतीश मारू सहित कई लोग उपस्थित थे। त्रिनेत्र योगधाम व त्रिनेत्र टीवी के माध्यम से हम क्षेत्र में कृषि में नए नए नवाचार व किसानों की आय को बढ़ाने हेतु अनेक जानकारियां उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसी के अंतर्गत आज आपको लेकर चलते हैं चूरू के निकटवर्ती गांव कड़वासर में और जानते हैं कि किसान बीजों का उत्पादन कर कैसे अपनी लागत को कम कर सकते हैं, वहीं बीजों को बेचकर अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार,
सब्जी की बाड़ी हम लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने खाई हैं, जैसे गाजर है, मूली है, गोभी है, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, लेकिन उनका बीज कैसे तैयार होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें पता ही नहीं होता कि इनका बीज कैसे लगता है। गाजर तो हम खा लेते हैं तो बीज कहाँ होगा। तो ये चीज़ की जानकारी जो है, बहुत अनुभवी जो किसान होते हैं, जो नियमित रूप से खेती में बहुत सालों से लगे होते हैं, उन्हीं को इसका अनुभव होता है। तो आज एक अनुभवी किसान है हमारे साथ, तुलसाराम जी मेघवाल। आप कड़वासर गाँव में स्थित हैं और चूरू के पास ही ये कड़वासर की जो बाड़ी है ये स्थित है। चूरू के बाज़ार में, सब्जी मंडी में कड़वासर की बाड़ी बड़ी फेमस बाड़ी रहती है, उसमें तुलसाराम जी का भी एक बड़ा अच्छा रोल है। ये भी जो है बाड़ियाँ बहुत जगह लगाते भी हैं और खुद भी जो है अपने परिवार अपने घर में लगाते हैं। आज जो हमारी बात है, चर्चा है, वो है गाजर के ऊपर। गाजर का बीज कैसे तैयार होता है और एक गाजर को अगर तैयार किया जाए तो कैसे किया जाए। यहाँ की कड़वासर की फेमस जो गाजर है वो काली गाजर, आपने काली गाजर खाई होगी, उसी का बीज ये तैयार कर रहे हैं। आप तुलसाराम जी से परिचय करवाते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है तुलसाराम जी। आप यहाँ पर जो ये गाजर का बीज तैयार करते हैं, पहले क्या प्रोसेस रहती है, मतलब कैसे आप गाजर को जो है उसके बीज के लिए काटते हैं, कैसे लाते हैं? देखो बढ़िया गाजर हो है, हाँ, 1.5 फुट के लगभग, हाँ, काली गाजर, बढ़िया गाजर। कड़वासर की जो गाजर है काली, हाँ, वो कड़वासर की है, कड़वासर की है, यानी बहुत बढ़िया गाजर। हम लोग उसको 100 गाजर मुंह 4 गाजर छांटते हैं, हाँ, उसकी मुड्डी काट के, हाँ, वापिस लगाते हैं, बढ़िया जमीन के मान। अच्छा, बढ़िया गाजर आप किसको कहते हैं, जो ऊपर से एकदम काली और अंदर पीली? काली है और माऊ सेव का सा रंग होता है, तो तोड़ते हैं गाजर, क्रीम सा रंग, क्रीम सा रंग, यानी बहुत मीठी गाजर होती है। अच्छा, उसका जूस भी काट के पीते हैं लोग, हाँ हाँ, और खाने के लिए बहुत कामयाब होती है। बहुत अच्छी बीज हम लोग तैयार करते हैं। देखिए आपको तरीका, ये बीज कैसे तैयार करते हैं, ये देखो, पहले नीचे देखो, एक मुड़ी है, ये जो है ना एक गाजर लगाते हैं और इस एक गाजर में से आप देखिए कितनी डालियां जो है ये निकली हैं। ये सब इनकी, देखिए इनका एक्सपर्टाइज है, ये कैसे इसको करते हैं वो तो इनको ही पता है, लेकिन ये जो आप देखें अब ये कितनी, एक एक गाजर में कितनी बीज निकल जाएंगे? देखो एक गाजर के अंदर ये बीज लगभग 400-350 ग्राम निकलते हैं एक, अच्छा, मुड्डी के अंदर, एक एक केवल एक गाजर की मुड्डी, एक गाजर की मुड्डी के अंदर, हाँ, तो आप इसका गाजर का बीज तैयार करेंगे तो जहाँ 100 गाजर तैयार करेंगे ना, हाँ, तो लगभग 2 बीघा का बीज निकलेंगे। 2 बीघा, हाँ, लगभग कितना किलो बीज हो जाएगा? लगभग हो जाएगा उसका 10-12 किलो बीज, 10-12 किलो, हाँ। अच्छा, ये देखिए ये सारा है ना, ये आपको मैं इकट्ठा करके दिखाऊँ, ये केवल एक गाजर है, एक गाजर है ये इतनी, ये इतने बीज जो है ये एक गाजर के, और इसमें लगभग 350-400 ग्राम जो बीज हैं वो ये बता रहे हैं। और इसी प्रकार के ये आप देखें ऐसे तैयार करते हैं और ये बीज नेक्स्ट ईयर जो है ये काम में लेते हैं। और इसमें किसी प्रकार की दवाई वगैरह का नहीं, क्या नहीं, दवाई नहीं है उसमें, गोबर की खाद है, हाँ, सिर्फ जैविक ही तैयार करते हैं हम लोग, जैविक ही, हाँ, गाजर होती है, जैविक ही गाजर होती है जी। तो इसमें तो वैसे गाजर में वैसे भी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं बिल्कुल जरूरत ही नहीं रहती, बिल्कुल ही नहीं, जड़ की चीजों में तो वैसे ही कम रहता है। और ये जो गाजर है ये यहाँ की स्पेशल गाजर है, स्पेशल गाजर का मतलब काली गाजर जो कड़वासर में ही पैदा होती है, इसको देसी गाजर भी कहते हैं, काली गाजर भी कहते हैं। लोग जो इसको खाने वाले हैं वो इसी के मुरीद होते हैं और काली गाजर को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, इसका मिठास भी अलग होता है। तो यहाँ आपके कड़वासर में कितने लोग हैं जो काली गाजर लगाते हैं? लगभग है 30-40 बाड़ी है, 30-40 बाड़ी है, तो उसमें गाजर तैयार होती है। तो ये काली गाजर का बीज आप बाहर से लाते हैं या अपना खुद नहीं, का ही तैयार करके? खुद के तैयार करते हैं और आप भी बेचते हैं फिर बाहर? हाँ, बाजार में बेचते हैं हम लोग, बीज भंडार पे, बीज भंडार पे, हाँ। ये काली गाजर का बीज क्या भाव बिक जाता है? देखो काली गाजर बढ़िया, अगर एक नंबर की, हम लोग जो गाजर को बीज तैयार कर रखे है वो 1,000 रुपए किलो भी किसान को मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारा बीज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा बीज जी। तो ये आप गाजर का बीज ऐसे तैयार होता है आप समझ लीजिएगा। बस यहाँ से अब ये हो गया, अब इसके बाद में बीज की क्या प्रोसेस रहेगी? देखो उसका जो पीलापन हो जाएगा, हाँ, ये पीला हो जाए, हाँ, पीला हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, तो ये एक निकाल लो। अच्छा, ये पीला हो गया तो एक दरांतियां से काट के एक निकाल लो, पूरा बोझा नहीं उखाड़ो, हाँ हाँ। और ये बाद में ये तैयार हो जाए तो ये निकाल लो, लो। ये तैयार हो जाए तो ये निकाल लो। फिर इसको सुखाते कैसे? सुखाते है? उसको छिया में डाल दो, छाव में डाल, छाव में डाल दो, फिर सूखने के बाद में ऐसा मरको के और उसका उसका बीज अलग अलग हो जाए, अलग अलग, और उसका कचरा जो उसका हवा में उड़ा, हवा में उड़ा दो जी जी जी। तो ये अब ये सारे जितने भी फूल हैं ये सारे बीज बन जाएंगे? हाँ, पूरा बीज बन जाएंगे, सब बीज बनेंगे। तो इसमें गर्मी सर्दी का कोई फर्क पड़ता नहीं, है इसको? कोई गर्मी सर्दी का फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, नहीं, नहीं कोई। तो इसका मतलब बीज की खेती भी मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छा व्यवसाय है। बीज तो बनाना बहुत,
भी तो मुश्किल है किसान के, क्योंकि जानकारी चाहिए। सही बात है, लेकिन कई सालों का अनुभव चाहिए। आपका इतना सालों का अनुभव है, वो काम आ रहा है। हम लोग गोभी का भी बीज तैयार कर देते हैं। अच्छा, फूल गोभी का। अच्छा, वो कैसे करते हैं? वो गोभी जो बड़ा जो फूल होता है ना, थोड़ा एकदम अच्छा सफेद, तो उसका पत्ता तोड़ के रख दो नीचे। अच्छा, से नीचे वाला ठीक है। तो उसमें जो सरसों का जो फली आती है, वैसे फली ऊंची आ जाती है, ठीक है, उसको बीज निकाल लेते हैं। अच्छा, वो फली जब पक जाती है फिर उसको निकाल लेते हैं, भंडार कर जी। तो देखिए, बीज भी बनाने का एक अपना तरीका होता है, और अपने खेत में अगर किसान अपना जैविक बीज तैयार करे, पहले आपने देखा होगा कि बाजरा अगर अच्छा होता था तो उस बाजरे की जो सीटें हैं उनको निकाल के रख लेते थे अलग से, और उन बीजों को अगली साल काम में लेते थे। ऐसे ही कोई मूंग है, मोठ है, गुआर है, जो पेड़ अच्छा होता था उसके बीज अलग से रखते थे और नेक्स्ट ईयर उन्हीं को काम में लेते थे। तो यहाँ भी सब्जी में भी ऐसा ही किया जा रहा है, प्याज की भी इसी प्रकार जो है सब्जी बीज जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो आज हमारा जो विषय था वो काली गाजर के बीज का था, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। तो अगर तुलसीराम जी, कोई किसान अगर गाजर को, अपनी अच्छी गाजर को काट के वापिस लगाता है बीज के लिए, तो कैसे लगाना चाहिए? देखो, गाजर जो खड़ी है, आदमी किसान जो तैयारी कर रखे है, वो जगह में गाजर का बीज तैयारी नहीं होगा। अच्छा, अलग से जमीन ले। अच्छा, और अलग लगाओ। अच्छा, अलग ही उसको रेडी करना पड़ेगा, अलग ही रेडी, जैसे आप नई फसल लगा रहे हो ऐसा लगाना पड़ेगा। ऐसा लगाना पड़ेगा, जो गाजर में तैयारी होएगा ना बीज, वो बीज खराब हो जाता है, वो खराब, क्योंकि वो छोटी मोटी गाजर जमीन में रह जाती है तो उसका भी बीज साथ में चला जाता है, तो फिर वो गाजर सही नहीं होती। अच्छा, तो हमें छांट कर बीज को निकालना है और उसको आधा काटना पड़ता है, गाजर को आधा नहीं, चार, सिर्फ तीन आंगल, तीन अंगुल रखना है, डेढ़ इंच रखना है, डेढ़ इंच रखना। अच्छा, डेढ़ इंच रख के उसको जमीन में लगा दो और पानी लगा दो उसको। लगा दो तो वो अपने बीज भी तैयारी हो जाएगा, और वो गाजर भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो भी बाजार में बेच, गाजर भी काम आ जाएगी, काम आ जाएगी। सही बात है, ऊपर से काटी हुई गाजर जो है वो बीज के रूप में जो है वहाँ पर काम में ली जा सकती है। बहुत बढ़िया तुलसीराम जी, आपने अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छा अनुभव दिया है। हमारे किसान भाई इसी से सीखेंगे कि अपना जैविक बीज जो है अपने खेत में तैयार करने का प्रयास करें। जो भी चीज़ आपसे तैयार हो वो तो करें, बाकी अनुभवी जो किसान हैं तुलसीराम जी जैसे, आपके आसपास और भी बहुत सारे किसान होंगे, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और इसी प्रकार के बीज जो है आप प्राप्त करें। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। गांव घांघू व आसपास के क्षेत्र में आज दोपहर बाद हुई बरसात से जनजीवन को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम सुहावना हो गया। चैत्र मास में पेड़ पौधे और वनस्पति नई फुटान पर होते हैं, जिससे यह बरसात अमृत का काम करेगी। वहीं गर्मी से बेहाल पशु पक्षियों को भी बरसात होने से राहत मिलेगी। गांव घांघू के राजेश कुमार जागीर ने बताया कि गर्मी के मौसम के कारण मीठे पानी के लिए घरों में बनाए बरसाती पानी के कुंड खाली हो गए थे। बरसात के कारण कुंडों में अमृत समान मीठा पानी आ गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। राजकीय डेढ़राज भर्ती अस्पताल चूरू में कोविड मरीजों के लिए आज अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हेतु अधीक्षक डॉक्टर FH गोरी, उप अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल, डॉक्टर JP माही, सहायक लेखा अधिकारी प्रताप सिंह, नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग यूनियन अध्यक्ष व कोविड प्रभारी डॉक्टर संजय चौहान ने वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर गोरी ने बताया कि अस्पताल के सामान्य वार्ड में अतिरिक्त 10 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी तथा दानदाताओं के सहयोग से कैंसर वार्ड में 10 बेड्स और तैयार करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को समाज सेवी ओम प्रकाश सराफ सातड़ीवाला व सुमन देवी सराफ ने प्रथम टीका लगाया तथा अस्पताल को 2 कूलर व 5 पंखे दान में देने की घोषणा की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ACB आनंद प्रकाश स्वामी व उनकी पत्नी ने भी प्रथम टीका लगवाया। जिला मुख्यालय पर आज वार्ड संख्या 38 के पार्षद भागीरथ सैनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर वन विभाग के रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान पार्षद ने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से वन विभाग के रेंजर द्वारा मोहल्ला खटिकान में धार्मिक स्थल व वार्ड के लोगों के पक्के निर्माण को तोड़ा जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, सिकंदर खान, आसिफ, टीपू, भंवर गुर्जर, शकील खान सहित कई लोग मौजूद थे। सोनी की ताना सोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेंजर तेरी ताना सोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेंजर तेरी हिटलर सोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेंजर तेरी ताना सोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हमने ADM साहब को ज्ञापन दिया है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने तानाशाही रूप से कुछ क्षेत्र में और अतिक्रमण किया है, हमारे 50 साल पुरानी आबादी को ध्वस्त कर दिया उन लोगों ने।
घरों के आगे तारबंदी कर दी है, घरों के पास उन जिन लोगों की ज़मीनें खरीदी हुई थी उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया। हमारे मंदिर शिव दोहरा, बालाजी का मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर और गौशाला, इन चार कुछ धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया तोड़ तोड़ के। इसलिए हम चाह रहे हैं इन लोगों के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ वर्षों से न्यायिक एवं विधिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए चर्चित चूरू के युवाओं ने एक बार फिर विधि सेवा के क्षेत्र में चयनित हो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गुरुवार रात्रि को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा के परिणाम के अनुसार चूरू के दिलीप दीक्षित, प्रियंका स्वामी, मोहम्मद अयूब एवं मंजू अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। चूरू के नयाबास निवासी एडवोकेट सांवरमल स्वामी एवं गृहिणी सुमन स्वामी की बेटी प्रियंका ने कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा में सफलता अर्जित की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय लोहिया कॉलेज में विधि प्रवक्ता रहे गुरुदेव महावर सिंह यादव, आरजेएस चंद्रशेखर पारिक व वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी को दिया है। राजल देसर में अक्टूबर 2020 के दर्ज एनडीपीसी एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि थाने में दर्ज एनडीपीसी एक्ट मामले में डीडवाना के दौलतपुरा निवासी को गुरुवार सुबह सुजानगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए, लेकिन कोरोना जाँच की रिपोर्ट शुक्रवार को आने पर आरोपी को शुक्रवार को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फव्वारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मन पसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।